given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. The truth to be an accountant because it's safe in a... जैसे दो तीन लोग ने मेरे वीडियो पे कमेंट करे थे लास्ट वीडियो में कि भाई के बारे में तुमको आवाज़ पता नहीं मेरी आ रही है नहीं आ रही है, अभी मैं ओला में हूँ, अभी हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे दो तीन लोग ने मेरे फ्रेंड्स पे कमेंट किए थे लास्ट वीडियो में कि भाई मॉल वगैरह के दिखाओ, तो मॉल वगैरह शो करो, मॉल वगैरह दिखाओ कि भाई मॉल ओपन है नहीं है, मीन्स क्या क्या शॉप खुली है वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मतलब अवेलेबल है। तो आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं, हमारे नियरेस्ट एक मॉल है जिसका नाम है विज्ञाना। टाइटल और थंबनेल देखे तो लोगों को पता चल ही जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मॉल, लेट्स गो। फाइनली अपन विवियाना मॉल पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मैं गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ मतलब बोल नहीं पा रहा था क्योंकि ना मेरे को वो ज़्यादा चक्कर आ रही थी, मतलब मेरा अचानक से सर को मिल लग गया था जिसकी वजह से मैं मतलब कुछ बना ही नहीं पा रहा था अंदर। तो अभी मैं फ़िलहाल बाहर आया और अब जाके बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी अंदर। तो फाइनली अपन विवियाना मॉल पहुंच चुके हैं, देखते हैं। मेरे को तो लग रहा है यहाँ से देख के कि मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुली हुई है, मतलब अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या खुला है क्या क्या नहीं खुला है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं इनसाइड, चेकिंग से गुजरते हुए लेट्स गो। तो गाइस अपन फाइनली अंदर आ चुके हैं मॉल के। वैसे मेरे को वैसे कौन बोलता है कि मॉल बंद है, मतलब मॉल के अंदर ज़्यादा चीज़ें खुली नहीं है भाई, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो खुली हुई है। पेंटालून खुल चुका है और ज़ारा खुल चुका है, H&M खुल चुका है, हर चीज़ मतलब अवेलेबल है, पिज़्ज़ा हट खुल चुका है, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ खुल गई, खाली दो चीज़ बची है बाकी गेम जोन और सिनेमा छोड़ के बाकी सब तो खुल ही गया है विज्ञाना मॉल में। तुम लोग खुद ही देख सकते हो भाई, देख लो मैं तुम लोगों को यहाँ से एक सिनेरियो दिखाता हूँ यहाँ से कि तुम लोग खुद ही देख लो कि क्या क्या चीज़ खुली हुई है मॉल के अंदर। और ये पागल लड़की मेरे पीछे पता नहीं कब से भटक रही है, मेरी फ़ैन है, ऑटोग्राफ के लिए घूम रही है मेरे पीछे, दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। जाते हैं और पेट भर के खाते हैं, चलो लेट्स गो। अभी अपन फूड कॉर्नर जा रहे हैं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। एंड नवरात्रि की वजह से ही मतलब आज विवियाना मॉल इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब
बहुत सारे चेंजेस हो गए यार। मैं कम से कम अभी 8 महीने के बाद मॉल आया रहूँगा, और 8 महीने के बाद मॉल में इतने चेंजेस हो गए ना। वैसे मेन मोटिव नहीं था यहाँ पे आने का, था मैं तो निकला था घूमने के लिए, घूमने के हिसाब से आया था। बट मैं क्या सोचा कि चलो इसको व्लॉग ही बना देते, क्योंकि मैंने कुछ एक हफ्ता हो गया था कुछ पोस्ट नहीं किया हूँ। वैसे बहुत शर्मीले, इतने शर्मीले हैं ना, एक बार कैमरा देख लेते ना तो पागल हो जाते है ना, है ना। से हाय, हाय गाइस, हाय गाइस, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, हाय गाइस, गाइस अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो अपने चैनल को सब्सक्राइब, अपने चैनल को अपने चैनल को अपने चैनल को मतलब क्या करना, क्या कहना के चाहते हो आप? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं करना चाहते। वैसे आप उन ब्लॉग क्यों बनाते? ब्लॉग ताकि अपने सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूअर्स बढ़े। मैं तो फन के लिए बनाते वो सब्सक्राइब नहीं करना, करना वो उन लोग को अगर अच्छा लगेगा तो वो लोग डेफिनेटली करेंगे ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं। सही बोले तो तुम बोलो ना, लेकिन कब आ गए? इधर आओ, इधर आओ। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हैं? भूख लग रही है, भूख लग रही है, हाँ। भूख लग रही है, तो चलते कुछ खाते हैं, यानी खाने के बाद तुम लोग से मिलते हैं। मेहनत कर रही है, चाय बना के बैठ रही है। मेरी लड़की पे ज़रा रहम नहीं करता, ऐसे इनका कहना है, इनका कहना है। भाई पूरे दिन कब से मास्क लगा के घूम रहा हूँ मैं, अब मॉल के अंदर इतनी सिक्योरिटी टाइट है ना कि विदाउट मास्क हम घूम ही नहीं सकते। एंड ऑलमोस्ट फूड कॉर्नर सब खुल चुके हैं गाइस, अभी हम लोग KFC में ऑर्डर किए, देखते हैं क्या क्या माल मटेरियल आता है। आते यार बहुत भूख लग रही है, दिखाते चुपचाप बिना किसी। जाने का टाइम आ गया है, जैसे अभी वहाँ पे अलाउड नहीं करे थे वैसे लोग शूट कॉर्नर वगैरह शो करने के लिए, तो हम लोगों ने इसलिए शूट नहीं करे। बट बाय द वे सब चीज़ ओपन है, हर चीज़ खुली हुई है, मतलब तुम लोग आ सकते हो, जा सकते, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते, हर चीज़ खुली है, हर चीज़, हर एक चीज़ अवेलेबल है एक्सेप्ट सिनेमा एंड गेम जोन के, बाकी सब चीज़ खुली हुई है। डांस करेंगे ना अभी मैं यहाँ पे उनको, उनको कार गिफ्ट मिलेगी, वो वाली इसका खाली टायर मिलेगा सदम को होने वाले है। आज क्या क्या किए पापा? बहुत मज़ा आई ना आज, बहुत मज़ा किया आज, पूरा दिन मास्क पहन पहन के भटकते रहे, भटकते रहे, बहुत भटकते रहे। अभी हम जा रहे हैं घर को, तो फोन में लगे मास्क लगाओ। जिंदगी में तब किसी चीज़ से डराता नहीं, जितना लोग मास्क से डराते, मास्क। मुझे नहीं पता था कि विवियाना मॉल में इतनी सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल है, खाने का स्टॉक, खाने के कॉर्नर वगैरह, फूड कॉर्नर्स वगैरह अवेलेबल है। बट पता नहीं कब हुआ ये, बट जो भी हुआ चलो अच्छा है। एंड बस कमी तो एक चीज़ की है खाली, सिनेमा हॉल की, तो देखते हैं सिनेमास कब खुलते हैं मॉल में। एंड गेम जोन भी बच्चों लोग के बस बंद है, तो बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हाँ, तो जो कोई भी विज़िट करना चाहता है वो डेफिनेटली विज़िट कर सकता है। तो विवियाना मॉल तो सबको पता ही है, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इंशाल्लाह मेरी हर हफ्ते एक न्यू व्लॉग आएगा, 100% आएगा। अगर आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें ना, तो मेरी हर हफ्ते क्या, इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग भी डालने की कोशिश करूँगा। बट अभी जॉब है तो समझ रहे हो ना, सब चीज़ को लेके चलना पड़ रहा है। सो टिल देन स्टे ऑसम, बाय।